यहाँ पर सर एक सवाल बहुत विशेष है कि ओके लाइफ ने एक काम तो किया है, जो बिकॉज मैं इस कंपनी में दोस्तों हूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि क्वालिटी को हमने बेस्ट टू बेस्ट रखने का प्रयास किया और पैकेजिंग बहुत इंटरनेशनल रखा है, यानी पैकेजिंग क्वालिटी को हम इंटरनेशनल रखने का हमने प्रयास किया, लेकिन प्राइस बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू यदि क्वालिटी पैकिंग जो मार्केट में वैसे कंपेयर करें तो। तो सर यहाँ पे दो सवाल यहाँ पैदा होता है, पहला कि कुछ कंपनी का ये मानना है कि आप मार्केट खराब कर रहे हैं ये सब करके, आप रियल में तहस नहस करना चाहते हैं मार्केट का और बाद में जियो जैसा काम करेंगे कि जब मार्केट जब कोलैप्स कुछ छोटी मोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी फिर अपना दाम आप इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे फिर से। तो सर इसके बारे में आपका क्या मानना है कि क्या वाकई मार्जिन बचता है कि नहीं, मतलब कैसे मेंटेन कर पाते? पहली चीज तो ये मान लेते हैं साहब कि हम उनकी बात को हाँ कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो जब ऑलरेडी मार्केट में बड़े से बड़े प्लेयर इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने भी अपना लिया तो इसमें क्या गलत है? पहले तो हाँ करके चलते हैं, ठीक है कि भाई जो आप सोच रहे हो चलो हम वैसा करेंगे, ठीक है सर। लेकिन उस समय तक उस कंपटीशन को लड़ना आसान काम है क्या? बहुत टफ है सर, कोई हर एक कंपनी लड़ लेगी क्या? हम यही मान लेते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, चलो जी मान लिया जी, आपकी बातों पे फूल चढ़ा दिए जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो जी, मान लिया प्रभु आप विधाता हो, आप अंतर्यामी हो, आप भविष्य देख सकते हो, मैं नहीं देख पाता, राइट? तो आप भविष्य वक्ता हो, मैंने मान लिया साहब, और हम मान लेते हैं यही करेंगे। तो साहब एक थ्योरी है फिटेस्ट सर्वाइवल, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा जी। कल मेरे बाद भी कोई आएगा वो मुझसे बेहतर करेगा, कल उसके बाद भी कोई आएगा वो उससे बेहतर करेगा। मुझसे पहले वाले इस धरती से चले गए, मेरे साथ वाले इस धरती से एक दिन चले जाएंगे, हमारे बाद वाले इस धरती पे आएंगे और वो एक दिन वो भी चले जाएंगे। ये धरती ना मेरी थी ना तुम्हारी है ना किसी और की होगी, ये मार्केट ना मेरी थी ना तुम्हारी है ना किसी और की होगी, ये जमीन ना मेरी थी ना तुम्हारी है ना किसी और की होगी। जब तक हम जिंदा है हम अपने हिस्से का कर्म करते हैं और हमें लगता है ये चीज़ हमारी है। पहली चीज तो बहुत सिंपल है, चलो हमने मान लिया भैया हम ऐसा कर रहे हैं, तो जब आप रोक लो ना उसको जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हो जी, रोक लीजिए ना उसे ऐसा करने से, क्या आप रोक सकते हैं? क्या दूसरी कंपनियां रोक सकती हैं? दूसरी कंपनियों को कंपटीशन ही लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो वो कंपनी आगे निकल जाएगी क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हमेशा जीतेगी, जो कस्टमर को बेनिफिट दे रहा है। आज आप उस कंपनी के बारे में कुछ भी बोलो पर सच्चाई यही है ना कि आज जो आप बोल पा रहे हो, जो आप सोशल मीडिया पे लिख पा रहे हो वो उसकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से है, वरना जो पहले वाला इंटरनेट पैकेज आप ले रहे थे 2GB का या पहले वाला जो इंटरनेट पैकेज आप यूज कर रहे थे बहुत एक्सपेंसिव था, उससे तो आपके 3 गाने चलते थे साहब पूरे दिन में, और चौथे गाना अगर आप यूट्यूब पे चलाने जाते थे तो आपको पता चल जाता था आप इतने रुपए लगेंगे पर सेकेंड। तो कहानी जिस कंपनी ने कुछ पॉजिटिव किया है उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो। अगली चीज जो बता रहा हूं, दूसरी चीज, लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं हम सस्ता कर रहे हैं बढ़िया पैकिंग बच पा रहा है नहीं बच पा रहा है। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेडिशनल मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट घटिया हैं या उनकी पैकिंग घटिया है? नहीं साहब, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और आप बढ़िया पैकिंग का दावा करते हो, आप बढ़िया पता नहीं क्या क्या आपके पास डेमो है, स्टोरीज हैं, बहुत कुछ है। आप मुझे बताओ क्या आप आज तक उन ब्रांड को रिप्लेस कर पाए जो आपसे सस्ते हैं? नहीं, सही बात। क्या क्वालिटी में बीट कर दिया आपने? उनके पास आज भी परमानेंट कस्टमर है बगैर पीवी बगैर बीवी बगैर इनकम के, आपने सब कुछ देके देख लिया, आपके पास बने क्या? आपके तो बेचने वाले भी ग्राहक नहीं बने, वो 1 रुपए का लालच नहीं देते पर उनके पास फिर भी ग्राहक हैं। अब मुझे बताओ गलती कहां है साहब? आप जिस क्वालिटी के दम पे जिस पैकेजिंग के दम पे जिस प्राइस पे माल बेचना चाहते हो, अगर कोई सही चीज लेके आया उसको फॉलो करने के बजाय उस पर सवाल उठा रहे हो, तो एक सवाल मेरा भी बनता है उठाना, और वो ये है साहब क्या आप वो जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्लेयर अफोर्डेबल प्राइस पे काम कर रहे हैं उनके ग्राहक ले पाए आप उनसे? नहीं साहब, नहीं ले पाए। और यकीन मानना जिस पॉलिसी के साथ आप चल रहे ना पूरी जिंदगी लगा देना आप उनके ग्राहक ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो बेचने आता है ना आपका माल वो भी नहीं खरीदना चाहता। अगर वो भी आपका माल ईमानदारी से खरीद लेता तो शायद आज ये इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की नहीं होती 1,00,000 करोड़ की होती है। इतने करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, छोड़ के चले गए एक कंपनी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में शिफ्ट हो गए, या आज इस इंडस्ट्री में नहीं है वो एक अलग बात है। पर सवाल तो मेरा भी है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साहब आप जिस क्वालिटी का दम भर रहे हो ना
वो कंपटीशन नहीं कर पा रही है ट्रेडिशनल से। आप जिस प्राइस का दम भर रहे हो ना, वो ट्रेडिशनल से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। आप जिस पैकिंग का दम भर रहे हो ना, वो ट्रेडिशनल से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ट्रेडिशनल में स्क्रैच से लेके टॉप ब्रांड तक पड़े हैं। आप में से जिसको हाथ लगा के कम्पीट करने का दम हो, आओ करके देखो, आपको पता चल जाएगा आटे दाल का भाव क्या होता है और कस्टमर कैसे आपकी तरफ आता है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो सिर्फ राइट पैकेजिंग नहीं देते हैं, वो सिर्फ राइट प्राइस नहीं देते हैं, वो उसके बाद वो सारे एफर्ट्स डालते हैं, चाहे वो उसकी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हो, चाहे टीवीसी हो, चाहे टीवी सीरियल्स में दिखाना हो, चाहे फिल्म्स में ब्रांडिंग करनी हो, चाहे आईपीएल में लेके जाना हो, चाहे उसको सोशल मीडिया पे बिल्ड करना हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फेसेस उसमें लेके आने हो, और रिटेलर के साथ में, होलसेलर के साथ में, सीएनडीएफ के होने के बावजूद भी, इतनी दुकानों पे माल होने के बावजूद भी, एक दिन छोड़िए एक घंटा चुप नहीं बैठते हैं। लोगों को बताते रहते हैं हमारे प्रोडक्ट में दम है साहब। आप किसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, उनको रिप्लेस अगर करना है, उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ लेके आना, क्योंकि डायरेक्ट सेलर कस्टमर को कोई लेना देना ही नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग से हो, आप ई कॉमर्स से हो, या आप ट्रेडिशनल से हो, कस्टमर को लेना देना है उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उसको वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपके सवाल बंद हो जाएंगे और ये इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी। तो सर क्या सवाल ये कि आप इस तरह से ब्रांडिंग करते करते एक दिन ट्रेडिशनल हो जाएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है वही छोड़ देंगे बीच बीच? ये सवाल सवा पांच साल से आता है।